हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के अभिभावक जरूर पढ़ें। शाम 8 बजे तक टीवी बंद कर दें। टीवी पर 8 बजे के बाद आपके बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अपने बच्चों की स्कूल की डायरी देखने के लिए समय निकालिए, उनके गृह कार्य पूरा करवाइए। रोज सभी विषयों में उनका प्रदर्शन देखिए। उन सभी विषयों को खास ध्यान रखिए जिनमें वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनकी बुनियादी शिक्षा भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक सोने और सुबह 6 बजे उठने की आदत डालिए। अगर आप किसी पार्टी, सामाजिक आयोजन में जाती हैं और बच्चों के साथ देर रात तक लौटते हैं, तो अगले दिन बच्चों को आराम करने दीजिए, स्कूल मत भेजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा अगले दिन स्कूल जाए, तो रात 10 बजे तक घर लौट आइए। अपने बच्चों में पौधा लगाने और उनका ख्याल रखने की आदत का विकास कीजिए। खास तौर पर उनके जन्मदिन पर उन्हें पौधे लगाने के लिए कहिए। हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने बजट के अनुसार कहीं घूमने जाइए। इससे वे अलग लोगों के साथ और अलग जगहों पर रहना सीखते हैं। उन्हें सिखाइए कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम गर्म चीज प्लास्टिक में उपयोग न करें। हर रविवार कोशिश कीजिए कि खाने की कोई ऐसी चीज बनाएं जो उन्हें पसंद है। उन्हें इसमें अपनी मदद करने के लिए कहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। बच्चा जन्म से ही वैज्ञानिक होता है। उसके पास ढेरों सवाल होते हैं। मुमकिन है हम जवाब ना दे पाएं, मगर जानकारी न होने के कारण हमें सवाल पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। उत्तर पता करने की कोशिश कीजिए और उन्हें बताइए। उन्हें अनुशासन और जीने के बेहतर तरीकों के बारे में बताइए। सही गलत के बारे में समझाइए। उनमें खुद पढ़ने और सीखने की आदत डालिए। उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग न करने दिया जाए। आवश्यक होने पर अपनी देखरेख में ही मोबाइल का उपयोग करने दिया जाए। बच्चों को अपने काम में सहायता करने के लिए कहिए। इसमें खाना बनाना, सफाई, चीजों को व्यवस्थित करना शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए, ताकि वह जीवन में सफल और सही इंसान बन सके। हमें अपने अनुभवों के आधार पर अपने बच्चों का जीवन सुंदर और स्वस्थ बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। परीक्षा के बाद अगर बच्चों का परिणाम कम आए, तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए और न ही उनकी तुलना किसी और बच्चे से करें। उन्हें हौसला दिलाएं और आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।